हेलो दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आती है कि फायर अलार्म सिस्टम, चाहे वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम हो चाहे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम हो, तो उसमें जो फॉल्ट होते हैं वो मेजर कौन कौन से फॉल्ट हैं। जैसे कि आपने मुझसे पहले पूछा भी है कुछ के बारे में, तो मैं यहाँ पर जो कॉमन फॉल्ट हैं, जो कॉमन 99% जो फॉल्ट है जो है वो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम हो चाहे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में, ये जो फॉल्ट हैं वो आते ही आते हैं। तो मैं बताऊंगा ये फॉल्ट कौन से होते हैं। जैसे कि आता है सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, या डिवाइस लॉस्ट, या फिर डिवाइस ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। इंटरफेसिंग डिवाइस में भी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है और इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होती है दोस्तों, और भी बहुत सारे फॉल्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में, और ट्रबल शूटिंग बताऊंगा और कैसे उसका सोल्यूशन है। आप डायरेक्टली अगर कोई फॉल्ट ऐसे आता है इसमें का, तो आप सीधे उसको ट्रबल शूट कर सकेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और उन लोगों के लिए जो फाइल सिस्टम पे काम करते हैं एज ए इंजीनियर, एज अ टेक्निकल सपोर्ट या एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा दोस्तों उसको भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसी टेक्निकल सिस्टम से रिलेटेड वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में दोस्तों क्या है कि वो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं फायर अलार्म सिस्टम में, वो चाहे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम हो चाहे वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम हो, तो 99% जो कॉमन फॉल्ट है उनके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। देखिए, पहला जो फॉल्ट होता है वो जनरली आता है अर्थ फॉल्ट दोस्तों, ठीक है, जनरली आता है, क्योंकि बहुत जनरली ये अर्थ फॉल्ट आता है। तो ये अर्थ फॉल्ट जो आता है दोस्तों, देखिए कितने तरीके से आता है। एक तो फॉर एग्जाम्पल आपका डिटेक्टर है और डिटेक्टर के अंदर वाटर आ गया, तो वाटर के वजह से क्या होता है, जो एक आपकी दो वायर होती है डिटेक्टर के अंदर, एक ब्लैक और एक होती है रेड, वो आपस में जो है जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर एक इंसुलेशन का जो होता है वो अर्थ को का जो आप देखते होंगे वायर होती है पतली सी, ठीक है, वो टच हो जाती है किसी मेटल से, टच हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये अर्थ फॉल्ट आता है दोस्तों, ठीक है। जनरली क्या होता है कि वाटर आ जाए आपके डिटेक्टर में या किसी भी लूप की डिवाइस में, तो अर्थ फॉल्ट दिखाता है, ठीक है, या फिर आपके जो लूपिंग की वायर जा रही है उस वायरिंग में जो मीन्स पानी आ जाए, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये अर्थ फॉल्ट दिखाने लगता है, क्योंकि सिस्टम का एक लिमिटेड जो है रेजिस्टेंस होता है, उतना उसको मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ फॉल्ट इससे आता है। तो आपको क्या करना है, अर्थ फॉल्ट आता है तो उस डिटेक्टर को चेक करना कि वायरिंग जो है वो कहीं उसमें पानी तो नहीं आया, या वो जो एक पतला सा इंसुलेशन का वायर जो होता है वो टच तो नहीं हो रहा मेटल से, ठीक है, तो आप ऐसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो दोस्तों आता है लॉस्ट डिवाइस, के आपका डिटेक्टर है क्या, या IFU है या फिर MCP है, वो लॉस्ट हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उसका कनेक्शन लूज हो गया है, आइदर उसकी ब्लैक वाली वायर होगी या फिर न्यूटन वाली वायर जो होगी, कॉमन जो वायर होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वो वायर लूज होता है, जब भी लॉस डिवाइस होगी कोई आपकी वायर लूज हुई है या डिस्कनेक्ट हुई है या कट हुई है, तो आपको अपने लूप में, अगर आपका एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में है तो अगर एड्रेस दे के आ रहा है तो उसको वो चेक करना है आपको डिटेक्टर के एड्रेस पे कि ये जो है कहीं लूज कनेक्शन नहीं है। अगर कन्वेंशनल है तो आपको पूरी जो है वो आपको चेक करना पड़ेगी दोस्तों उसका लूप, ठीक है। और लॉस जो फिर आता है आपका सिस्टम फॉल्ट दोस्तों, तो सिस्टम फॉल्ट जो है दोस्तों वो जनरली आपका जो पैनल है, पैनल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पैनल में कोई PSU में प्रॉब्लम आ गई है, PSU एड्रेसेबल सिस्टम में तो दिखा देता है दोस्तों, मगर कन्वेंशनल सिस्टम में एक्चुअली दिखाता नहीं है। तो और भी कोई मान ली इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट आउट हुआ है, कुछ भी हुआ है, पैनल का इंडिकेशन का कुछ भी खराब हुआ है, तो कन्वेंस सिस्टम में वो सिस्टम फॉल्ट बताता है, ठीक है, और एड्रेसर सिस्टम में भी सिस्टम फॉल्ट बताता है, मगर कहीं के क्या एड्रेसर सिस्टम में जो है दोस्तों वो दिखा देता है कि PSU फॉल्ट है, पावर सप्लाई के सेक्शन में फॉल्ट है या फिर किसी और जगह है, ठीक है। तो इस तरह का ये सिस्टम फॉल्ट आता है दोस्तों, तो आप ऐसे इसको ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। आपको चेक करना है पैनल को पूरे को कि सारी चीज़ें ठीक है, डिवाइस ठीक है, पैनल डिस्प्ले ठीक चल रहा है या फिर उसकी इंटरनल वायरिंग ठीक है या नहीं है, तो ठीक है दोस्तों। कभी कभी उसमें पानी भी आ जाता है, इस वजह से सिस्टम फॉल्ट
आता है दोस्तों। अगला दोस्तों जो है वो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट बहुत कॉमन है दोस्तों। आपको आता है कि अगर एड्रेस सिस्टम फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आता है कि आईएफ यूज़ कर रहे हैं इंटरफेसिंग डिवाइस, वहाँ आता है इंटरफेसिंग ओपन इंटरफेसिंग शॉर्ट सर्किट। तो देखिए जिससे इंटरफेसिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आईएफयू है, आईएफयू की इंटरफेसिंग अगर फ्लो स्विच से हो रही है तो फ्लो स्विच से क्या होता है, वो अगर ओपन सर्किट दिखा रहा है तो फ्लो स्विच से क्या होगा, इनपुट आएगा आईएफयू के अंदर दोस्तों, तो वहां से वो ओपन हो गया है, फ्लो स्विच से वायर लूज हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है समथिंग, तो इसलिए ओपन दिखाता है। अगर वो शॉर्ट सर्किट में जा रहा है उसके आईएफयू के, ठीक है, आईएफयू से जो है अगर फ्लो टेम्पर स्विच उसके शॉर्ट सर्किट में जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपको शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके कभी कभी ये दिखाता है डिटेक्टर्स के भी लिए दिखाता है और आपके एमसीपीयू उसके लिए भी दिखाता है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, तो आपको जस्ट जाके कनेक्शन उसके चेक करने हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आता है मोस्ट कॉमन वायरिंग फॉल्ट दोस्तों, वायरिंग फॉल्ट भी लिखा आता है। तो वायरिंग फॉल्ट का मतलब यही है दोस्तों कि आपकी कहीं पर वायरिंग ब्रेक हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है, टूटी है, तो वो आपको अगर एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है तो आपको जाके चेक कर लेंगे आप। ठीक है, उससे जिसकी भी वायरिंग फॉल्ट बता रहा है डिटेक्टर की एमसीपी, तो उसके पहले के डिटेक्टर उसके बाद के डिटेक्टर आप चेक कर लेंगे कहीं वायरिंग ब्रेक तो नहीं है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों अगला जो फॉल्ट आता है वो सेंसर आउट स्पेसिफिकेशंस आता है या सेंसर आउट ऑफ ऑर्डर आता है। तो आपका जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के अंदर सेंसर होता है जो आपके स्मोक और हीट को सेंस करता है, वो एक्चुअली खराब हो जाता है। आप देखते होंगे, एक मेरे पास यहाँ डिटेक्टर नहीं है, एक पतला सा मतलब ब्लैक कलर का उसमें या व्हाइट कलर का एक छोटा सा सेंसर टाइप का होता है ना, तो वो सेंस करना बंद कर देता है, एक्चुअली खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें दोस्तों डिटेक्टर रिप्लेस करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, फिर और फॉल्ट होते हैं जैसे बैटरी फॉल्ट है, तो पैनल की बैटरी का फॉल्ट आता है तो बैटरी आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बैटरी का जब आप वोल्टेज चेक करते हैं 12 वोल्ट, ठीक है, तो वो आपको वोल्ट बताता है, मगर आप सोचते हैं कि बैटरी तो सही है, मगर एक्चुअली में बैटरी सही नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बैटरी चेंज करना पड़ती है। ठीक है, और बैटरी का आप अगर आपको लग रहा है सही है, फिर भी फॉल्ट आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब बैटरी आपको चेंज करना पड़ेगी। ठीक है, तो बैटरी आपको चेंज कर दी है उसकी, फायर अलार्म सिस्टम की या रिपीटर पैनल है उसकी। ठीक है दोस्तों, ये फॉल्ट हो गया बैटरी फॉल्ट, बैटरी डिस्कनेक्टेड आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में आपको बैटरी की वायरिंग चेक करना पड़ेगी। ठीक है, उसके जो कभी वायर छूट गई हो तो, ठीक है, वायरिंग चेक करके कर लेंगे। और भी बहुत सारे फॉल्ट है दोस्तों, यही मेन कॉमन फॉल्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, ये मेन मेजर फॉल्ट होते हैं, 99% यही फॉल्ट आते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम हो चाहे वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम हो। तो उम्मीद है आप इसको ऐसे ट्रबल शूटिंग कर लेंगे और मैंने आपको इसको सॉल्यूशन बताया है दोस्तों। तो जितनी भी क्वारीज की मैंने यहाँ पर ले ली हैं दोस्तों, और भी कुछ हो फॉल्ट के रिलेटेड अगर रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे इस पर एडवांस फॉल्ट की वीडियो बना दूंगा, चाहे वो कन्वेंशनल सिस्टम की हो चाहे वो एड्रेसेबल सिस्टम की हो दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, के साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो मिलते रहे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।